23वां पाठ हाथी पृष्ठ संख्या 114 से 116 तक प्रस्तुत है पाठ। सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने। सूंड उठाकर हाथी बैठा पक्का गाना गाने। मच्छर एक घुस गया कान में लगा कान खुजलाने। मच्छर एक घुस गया कान में लगा कान खुजलाने। फटफट फटफट तबले जैसा हाथी कान बजाता। फटफट फटफट तबले जैसा हाथी कान बजाता। बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता। बड़े मौज से भीतर बैठा मच्छर गाना गाता। पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल ए भैया। पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल ए भैया। हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन गवैया। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अभ्यास शब्दार्थ पक्का गाना ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना। घुसना भीतर जाना या अंदर जाना। मौज उमंग खुशी मस्ती। गवैया गायक गाना गाने वाला। भावार्थ एक हाथी जंगल में बैठा था। वह सूंड उठाकर गाना गाने लगा। तभी उसके कान के भीतर एक मच्छर चला गया। वह कान खुजलाने लगा। परेशान होकर अपने बड़े बड़े कान तेजी से हिलाने लगा। फटफट फटफट की आवाज होने लगी, मानो तबला बज उठा हो और हाथी मच्छर के गाने के सुर पर ताल दे रहा हो। इस अनहोनी घटना को जंगल देख रहा था। उसने पूछा, ओ भाइयो, मुझे बता सकोगे मच्छर और हाथी में से अच्छा गायक कौन है? कवि ने हंसने हंसाने के लिए इस घटना की कल्पना की है। इसमें हाथी स्वयं एक खिलौना बन गया है और जंगल के पेड़ हाथी के आसपास खड़े दर्शक और श्रोता हो गए हैं। इस कविता में एक बाल सुलभ कौतुक है। कवि ने जानवर और जंगल से मनुष्य के संसार को जोड़कर शब्द का सजीव खिलौना बनाया है। एक कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो। का सूंड उठाकर हाथी बैठा रिक्त स्थान। ख बड़े मौज से भीतर बैठा रिक्त स्थान। ग हमें बता दो इन दोनों में रिक्त स्थान। दो कविता के आधार पर बताइए। क हाथी सूंड उठाकर किस लिए बैठा। ख हाथी के कान क्यों बज उठे। ग मच्छर कहां बैठकर गाना गा रहा था। तीन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क हाथी गाना गाने के बदले तबला क्यों बजाने लगा। ख अब आप वाक्य के खाली स्थान को अपनी कल्पना से भरिए। एक जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी रिक्त स्थान जैसा दिखता था। इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपके पास शब्द हैं
क कार्टून, ख खिलौना, ग मूर्ति। दो, मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था, उसके गाने को रिक्त स्थान सुन रहा था। क हाथी, ख जंगल, ग कोई नहीं।